हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिट वंडरर। सो आज का एक स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि फिट वंडरर को हो चुके हैं 1 ईयर कंप्लीट फाइनली। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप आगे भी ऐसी सपोर्ट देते रहे और आप है तो हम है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आज 23rd मई है, मैंने एक साल पहले स्टार्ट किया था चैनल, आज एक साल हो गया है फाइनली, बहुत अच्छा लग रहा है। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट किया, मुझे किसने हेल्प की, वो भी मैं आज फाइनली बता दूंगा, और मैंने फिट वंडरर नाम क्यों चूज किया। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको सब पता चल जाएगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे YouTube चैनल की आइडिया कब आई। तो ये बात है 2018 की, जब मैं एवरी वीकेंड घूमने जाता था मेरे कजिन भाई के साथ। बहुत सारी नई नई प्लेसेस हम लोग ने एक्सप्लोर की है, साइकिलिंग के लिए जाता था, बहुत मजा आता था वो टाइम पे। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी वीडियोज नहीं बनाई क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसे व्लॉग्स शूट करके यूट्यूब पे डाल सकता हूँ। तो और एक दिन मेरे कजिन भाई ने मुझे बोला कि हाँ, मेरा कजिन भाई, उसका नाम निखिल है, उसको आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, बहुत सी वीडियोस में है वो। तो एक दिन उसने मुझे बोला कि अभिषेक, तू वीडियोस क्यों नहीं बनाता, यूट्यूब पे तू वीडियोस बना के डाल सकता है, व्लॉग्स बना सकता है अपने ट्रिप्स के। मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने इतना इंटरेस्ट लिया नहीं वो टाइम पे। आई वॉज लाइक यार नहीं, मतलब यार घूमना है वो ठीक है, वीडियोज वगैरह क्यों बनानी है। मैंने उसने मुझे याद है मुझे दिसंबर 2018 में बोला था ये बात कि वीडियोस नहीं बनाता, तो अभिषेक वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाला कर, लोग इंटरेस्ट लेंगे। फिर बात आती है 19th मई 2019, जिस दिन मेरे कजिन भाई ने उसका फर्स्ट व्लॉग यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। एंड मैं देख के बहुत खुश हो गया कि यार मैंने नहीं बट मेरे भाई ने यूट्यूब चैनल पे उसका पहला व्लॉग डाल दिया। तो मैं देख के बहुत इंस्पायर हुआ उसके वीडियो से। तो मैंने सोचा कि यार हाँ, ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना घूमता था तो मैं हाँ ऐसा कुछ बना सकता हूँ। तो मैंने मेरे भाई को कॉल कर दिया कि उसका वीडियो देखने के बाद, तो मैंने उसको बोला कि यार निखिल दादा, मुझे भी ऐसा कुछ बनाना है वीडियो, मैं भी मतलब ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि मैंने तुझे 6 महीने पहले बोला था कि अभिषेक तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकता है। फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, बट मैं सिर्फ ट्रैवलिंग को लेके यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई वीकेंड्स पे आपको ट्रैवलिंग करना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं सोच रहा था कि अभी मेरे यूट्यूब चैनल की कैटेगरी क्या होगी। तो मैंने एक काम किया कि एक पेपर लिया और उस पर मैंने मुझे जो भी पसंद है, मेरे जो भी हॉबीज है, मैं लिख ली। तो मेरी हॉबीज की लिस्ट में मैंने लिखा था फर्स्ट ट्रैवल, उसके बाद फिटनेस, फिर साइकिलिंग, कराटे एंड बॉक्सिंग। हाँ, ये चीजें मैं बचपन से करते आ रहा हूँ और मुझे पसंद भी है। तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं इसके ऊपर ही वीडियोज बनाऊंगा, इसके ऊपर ही मेरा कंटेंट होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके ऊपर व्लॉग्स बनाऊंगा ट्रैवल और फिटनेस के। तो मैंने इसलिए मेरे चैनल का नाम फिट वंडरर रखा है क्योंकि फिटनेस एंड ट्रैवलिंग के ब्लॉग्स मैं इसमें डालता हूँ। तो चैनल की कैटेगरी और चैनल का नाम डिसाइड करने के बाद 23rd मई 2019 को मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया फाइनली। और मैंने फिर उसके बाद मेरे कजिन ब्रदर को कॉल लगाया कि भाई मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। एंड उसके बाद मैंने उसको बोला कि मुझे थोड़ा बेसिक्स वीडियो एडिटिंग बता दो कि जिसके वजह से मैं वीडियोस को एडिट कर सकता हूँ। तो उसने मुझे हेल्प की वीडियो एडिटिंग करने में। तो मेरे चैनल पे जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो वो मैंने खुद से एडिट किया हुआ है, मेरे भाई ने सिखाया, उसके बाद मैंने खुद से एडिट करके मैंने वो एक्सपेरिमेंट के लिए डाला था। तो उसके बाद वो फर्स्ट वीडियो पे मेरे काफी अच्छे व्यूज आए, मतलब मेरे सब्सक्राइबर भी कोई नहीं था वो टाइम पे, नया नया चैनल स्टार्ट हुआ था, बट वो वीडियोस पे बहुत ही अच्छे व्यूज आए थे उस हिसाब से। तो
तो मुझे एक बूस्टअप मिला कि हाँ यार मजा आ रहा है, मतलब लोग देख रहे हैं वीडियो। तो उसके बाद मैं कंटिन्यूसली वीडियोस बनाते आ रहा हूँ और आगे भी बनाते रहूंगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अभी के अभी नीचे जाके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना और बाजू वाली बेल आइकन को भी ऑन कर देना। तो एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना YouTube चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए YouTube चैनल नहीं चला सकते। तो आपके अंदर पेशेंस रखो और अच्छा कंटेंट बनाते रहो, आपका चैनल जरूर ग्रो होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। सलाह, बाय बाय।